आप सुन रहे हैं रश्मि नामियार की लिखी हुई प्रतिभा टिक्कू शर्मा की आवाज में उड़ान भाग एक। रात के 11:10 हो चले थे। सेंट्रल जेल के अंदर चाहे कितना भी अंधेरा हो, बाहर वो दूधिया रोशनी में नहाया हुआ था। जेल के अंदर रात 10 बजे ही सारी बत्तियां बुझा दी गई थीं। महिला विंग के सेल नंबर 208 से जोर जोर की खर्राटे की आवाजें आ रही थीं। वहीं से दो औरतों की फुसफुसाने की भी आवाज आ रही थी। एक बचकानी सी आवाज ने दबी सी हंसी के साथ पूछा, अच्छा बोल ना मंगेत्री, तेरे मर्द को क्या रोज चाहिए होता था? जवाब में एक चिढ़ी हुई औरत की आवाज ने कहा, रोज चाहिए होता था तभी तो उसने वो औरत पाल रखी थी। उस औरत के साथ उस साले को भी चाकू घों पाती तो अच्छा रहता। बाहर निकली तो छोड़ूंगी नहीं उसे। तू बाहर निकलेगी तब ना। झुमरिया रे, निकलूंगी तो बाहर जरूर। वो डायन 3 महीने से अस्पताल में है, अभी भी मरी नहीं है। दोनों आवाजें खामोश हो गईं। खर्राटे जारी रहे। मुश्किल से 10 मिनट बीते थे कि सेल के सामने कॉरिडोर में 3-4 लोगों के कदमों की आहट होने लगी। वो आवाजें सेल नंबर 208 के सामने आकर रुकी। एक महिला कांस्टेबल की तेज आवाज गूंज उठी, उठ साली लोग, दिमाग बहुत काम करने लगा है तुम लोगों का। इतना कहते हुए उसने जोर से लोहे की सलाखों पर डंडा मारा। फिर ताला खुलने की आवाज आई। टॉर्च की रोशनी से सेल के चारों कोने का मुआयना किया गया। टॉर्च की रोशनी से जब आंखें चौंधिया गई तो वहीं पर लेटी हुई तीनों औरतें उठकर बैठ गईं। टॉर्च की रोशनी पहले एक 20-22 साल के गोरे से चेहरे पर टिकी। तेज रोशनी से बचने के लिए बड़ी बड़ी आंखें गोरी हथेली की ओट से देख रही थीं। गुलाबी होंठों में हल्की सी थरथराहट थी। सेल के बाहर से गुर्राती हुई आवाज आई, तुम्हारा नाम झूमर है ना? उस मासूम चेहरे ने हां में सर हिलाया। टॉर्च की रोशनी अब दूसरे चेहरे पर थी। तेज रोशनी में भी उस चेहरे की आंखें खुली थीं। उस काले से चेहरे पे सिर्फ वो सफेद आंखें दिख रही थीं, जिसमें उसकी काली पुतलियां डर से सिकुड़ी जा रही थीं। अपनी हाजिरी बयान करते हुए उस चेहरे ने कहा, मैं मंगेत्री। टॉर्च ने अब तीसरे चेहरे का रुख किया। गेहुआ चेहरा, चेहरे पे शांति, आंख हल्के से मूंदे हुए। टॉर्च की रोशनी में काले बालों में से कई सफेद बाल चांदी की तरह चमक रहे थे। बाहर से उसी कड़क आवाज ने कहा, और आप महारानी सिंदूरिया? बिना सिंदूरिया के जवाब का इंतजार किए वो गुर्राती आवाज वाली लेडी कांस्टेबल अंदर आई। खाकी साड़ी में उसकी डील डॉल किसी पहलवान सी थी। उसके पीछे महिला विंग की जेलर थी, वो भी खाकी साड़ी में थी, लेकिन उसके कंधे पर 4 सितारे टके हुए थे। उसके चेहरे पर रौब और नपे तुले कदम में रुआब था, और उसके पीछे बंदूक थामे दो और महिला कांस्टेबल खड़ी थीं। सामने आई कांस्टेबल आगे बढ़ी और उसने 40 साल की मंगेत्री के चेहरे पर जोर का थप्पड़ मारा। फिर अपनी लाठी को कोने में खड़ी 50 साल से ऊपर की सिंदूरिया पर रसीद दिया। आखिर में उसने छरहरी बदन वाली, चेहरे पर मासूमियत लिए खड़ी झूमर के पास पहुंचकर उसकी टांगों पे जोर से 2 डंडे मारे। बहुत हिम्मत आ गई तुम लोगों में, हाँ? चालाकी पुलिस वालों से। अगल बगल के सेल में औरतों के जागने की आहट होने लगी थी। जेलर ने कहा, विमला रुको। झूमर ने अपनी टांगों को सहलाते हुए पूछा, अब क्या किया हमने? कांस्टेबल ने दांत पीसते हुए कहा, की तो बहुत कुछ हो तुम। जेलर ने हाथ ऊपर करके कांस्टेबल को चुप होने का इशारा किया। अपने हाथ में पकड़े एक छोटे से 3 इंच के चाकू पर टॉर्च से रोशनी करते हुए कहा, ये मिला है तुम्हारे गुसलखाने से, लेटरिन करने के गड्ढे में चिपका था। उसने पल भर को सांस ली और जोर से बोली, किसने छिपाया से यहां? ये सिर्फ चाकू नहीं, रेती है रेती।
सलाखों को कौन काटने की कोशिश कर रहा है? किसको भागना है यहां से, बोलो? जेलर की बातों से मंगेत्री अजीब सी कांपने लगी। नहीं 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 सरकार, ये हमारा नहीं है। उसने जैसे ही ये कहा उसके कूल्हों पे डंडे बरसने लगे। झूमर कोने में खड़ी कांप रही थी, लेकिन उसके बगल में खड़ी सिंदूरिया बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं थे, जैसे उसने ये सब पहले कई बार देखा हो। जेलर ने इशारा किया तो कांस्टेबल बोली, तीनों कपड़े उतारो, चेकिंग करनी है। अगले 2 मिनट बाद ही तीनों औरतें एकदम नंगी होकर हाथ ऊपर उठाए उन 4 महिला पुलिसकर्मियों के सामने खड़ी थीं। टॉर्च की रोशनी एक एक पर ऊपर से नीचे उतारी गई। एक बंदूकधारी कांस्टेबल उनके कपड़ों के ढेर में कभी हाथ से तो कभी डंडे से और छिपे हुए हथियार खोजने की कोशिश करने लगी। कुछ मिनट बाद उसने जेलर की तरफ देखते हुए कहा, नहीं है कुछ। कांस्टेबल सिंदूरिया के बाल पकड़कर उसे दीवार की तरफ ले गई। उसकी पीठ को अपनी तरफ रखते हुए उसने अपना डंडा उसके जांघों से पार करते हुए उसकी योनि में घुसा दिया। सिंदूरिया दर्द से चीख उठी। झूमर जहां खड़ी थी वहां से लपकी और वो कांस्टेबल के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज मत मारो ऐसे, बूढ़ो मां मर जाएंगी, उनकी उम्र देखो, छोड़ दो प्लीज। कांस्टेबल ने दांत पीसते हुए कहा, ये मरेगी नक्सली है साली, कोई पहली बार जेल में थोड़ी आई है, अब ये बताएगी कि वो छुरी किसने वहां रखी थी। सिंदूरिया अब भी चीख रही थी। फिर कांस्टेबल ने कुछ सोचते हुए सिंदूरिया से डंडा हटाया और झूमर के बाल पकड़ उसे दीवार से सटाकर उसमें भी डंडा घुसा दिया। नंगी झूमर का बदन उस ठंडी दीवार की चुवन और दर्द से कांप रहा था, लेकिन उसके मुंह से आह नहीं निकली। बता साली, तू भागने की फिराक में है ना? झूमर ने किसी सांप की तरह फुफकारते हुए कहा, नहीं। उसकी तेज आवाज सुनकर कांस्टेबल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अगले ही पल डंडे को उसके और अंदर घुसा दिया। झूमर अब अपने जांघों पे गर्म लहू की बहती धार को महसूस कर पा रही थी। कांस्टेबल दांत पीसते हुए बोली, बोल दे, तू नहीं छिपाया था। झूमर ने फिर जोर से कहा, नहीं। इतना कहकर उसने अपना मुंह अपनी हथेली से बंद कर लिया। उसका दर्द उसके गले में गोला बनकर अटका पड़ा था। उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन उसने अपने मुंह से हथेली नहीं हटाई। पुलिस वालों के सामने मुंह खोलने से अच्छा झूमर को मर जाना ठीक लग रहा था। इतना कुछ होते देख नंगी मंगेत्री बेहोश होकर जमीन पर लुढ़क गई। कांस्टेबल ने झूमर से डंडा निकाला और गुसलखाने से पानी लाकर जोर जोर से मंगेत्री के मुंह पर छींटे मारने लगी, लेकिन मंगेत्री होश में नहीं आई। झूमर भी अब उसके बगल में निढाल होकर गिर गई थी। दूसरी तरफ सिंदूरिया कोने में अपना सर अपने हाथों में लिए बैठी थी। तभी जेलर ने कहा, बिमला अभी चलो यहां से, ये कमीनी बताएंगी नहीं, कड़ी नजर रखना इन पे। फिर तीनों की तरफ देखते हुए बोली, तुम तीनों या तीनों में से कोई एक कुछ तो खुराफात कर रही हो, ये पहली वार्निंग है। कुछ और हरकत की तुम लोगों ने तो याद है ना वो 103 नंबर सेल वाली का हाल, कैसे एनकाउंटर में मारी गई। ये कहते हुए जेलर अपनी कांस्टेबल को साथ लिए सेल से निकल गई। अब वहां सन्नाटा पसर गया था। जेल के कैदियों में भी अब कोई खास हलचल नहीं थी, ये उनके लिए रोज का माजरा था। बस बगल वाले सेल से एक औरत ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? सिंदूरिया ने कराहते हुए धीरे से सिर हिलाया। वो जानती थी कि पुलिस वाले क्यों वापस चले गए थे। उससे बुरे बर्ताव की खबर अगर जेल से बाहर गई तो उसके नक्सली साथी कितना हंगामा करेंगे। बहरहाल तीनों कैदी उसी ठंडे फर्श पर बिना कपड़ों के वैसी ही पड़ी हुई थीं। उनमें कपड़े उठाकर पहनने की ताकत भी नहीं थी। झूमर की जांघों के बीच से खून रिसता रहा और वो भी उसी हालत में सुबह तक खून में पड़ी रही। मंगेत्री को होश आने के बाद भी
तीनों ने एक दूसरे से नहीं पूछा कि वो छुरी किसने रखी थी। वो तीनों जानती थीं कि तीनों के पास जेल तोड़ने की वजह और हिम्मत दोनों थी, लेकिन ये प्लान किसका था इस चीज को एक दूसरे से नहीं पूछना उस जेल का नियम जैसा था। आने वाले दिनों में भी उन्होंने एक दूसरे से उस रात का जिक्र नहीं किया। बस खुद में तीनों चौकन्नी रहती थीं, क्योंकि उन पर हमेशा पुलिस वालों की गिद्ध जैसी नजरें टिकी रहती थीं। उस बात को 40 दिन बीत चुके थे। उस रात झूमर को अजीब अजीब सपने आ रहे थे। कभी कोई सफेद घोड़ा दिखाई देता और कभी जमीन पर एक बड़ा सा खून का धब्बा। वो रात भर करवटें बदलती रही। वहां की ठंडी दीवार की छुअन से झूमर की आंखों में आंसू छलक आए। उस सेंट्रल जेल के सेल नंबर 208 की दीवार उसे अपनी बदकिस्मती याद दिला रही थी। इसी दीवार पर उसने बाहर से लाल पत्थर लाकर पिंजड़े में कैद चिड़िया की एक तस्वीर बनाई थी। झूमर दीवार की टेक लेकर उठ बैठी। उस कमरे के मोटे सलाखों वाले दरवाजे के उस पार एक कॉरिडोर था, जिसके दूसरी तरफ एक छोटी सी खिड़की थी। हल्की रोशनी उससे छनकर आती और कॉरिडोर के गाढ़े अंधेरे को हल्का कर जाती थी। झूमर जहां बैठी थी वहां से वो खिड़की उसे दिख रही थी। उस पार का नारंगी आसमान दिख रहा था। उसे आसमान में पंख फैलाए उड़ता हुआ एक बाज दिख रहा था। झूमर ने एक पल आसमान को गौर से देखा। उसे तकते हुए वो मुस्कुरा उठी। उसने भी अपनी आजादी का रास्ता खोज लिया था। कल से वो भी आजाद होने वाली थी। तभी कॉरिडोर के दूसरे छोर से लकड़ी के डंडे को सलाखों से पटकने की आवाज आई और फिर आई लेडी कांस्टेबल की कर्कश आवाज। जागो महारानियों, बहुत सोली, तुम्हारे भतारों की कोठी नहीं है ये? तो इसके भतार की कोठी है क्या, साली चुड़ैल? मंगेत्री ने मुंदी पलकों से ही गाली दी। झूमर हंस पड़ी। चाची, तेरी गुड मॉर्निंग गाली के बिना नहीं होती। चिरैया इतनी जल्दी उठ गई? कोठरी के अंधेरे कोने से सुंदरिया की आवाज आई। झूमर अपनी आंख मलती और उबासी लेते हुए बोली, हाँ बड़ो बा, आज नींद जल्दी खुल गई। जेल की कोठरियों में कैदी अपनी एक दुनिया बना लेते हैं। उस कोठरी में जलते 60 वॉट के बल्ब को चांद, तारा और सूरज समझ लेते हैं। उन दीवारों के बीच जिन लोगों के साथ सांस लेते हैं उनसे रिश्ता जुड़ने लगता है। 2 महीने पहले झूमर इस सेल में आई थी। उसी दिन सिंदूरिया भी लाई गई थी यहां। सिंदूरिया बंगाल के जंगलों में एक नक्सल गिरोह की कार्यकर्ता थी। वो भी अपने साथियों के संग भाग निकलती अगर कांच का एक टुकड़ा उसके पैरों के बीचों बीच नहीं घुसता। दर्द से कराहते हुए जैसे ही वो जमीन पर गिरी पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। जेल के डॉक्टर ने सूजे हुए पैर में एंटी टेटनस तो लगा दिया था, लेकिन हर दूसरे दिन जख्म पर से पट्टी बदलने का काम झूमर किया करती। जब सिंदूरिया रातों को दर्द से कराहती तो झूमर उसके पांव सहलाती, उसे उसके गांव की कहानी सुनाने को उकसाती। सिंदूरिया अक्सर हंसकर झूमर से कहती, तूने कोई तो कर्जा खाया था मेरा पिछले जन्म में कि तुझे मेरी इतनी सेवा करनी पड़ रही है। झूमर बस मुस्कुरा देती, हालांकि कर्ज शब्द से उसे नफरत थी। कॉरिडोर में घंटी गूंज उठी। सुबह की ड्यूटी दिए गए कैदियों को तैयार होने के लिए ये वार्निंग बेल थी। मंगेत्री और सिंदूरिया हड़बड़ाकर कमरे के पिछले कोने में बने छोटे से गुजलखाने में मुंह हाथ धोने लगी। कॉरिडोर से बाकी कोठरियों के ताला खुलने और बंद करने की आवाज तेज हो चली। सिंदूरिया अपने आंचल में हाथ पोछती हुई सलाखों वाले दरवाजे पे आकर खड़ी हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा जैसे उसे कुछ याद आया हो। चिरैया, तेरी ड्यूटी नहीं है क्या आज? नहीं बोलो मां, आज शाम की ड्यूटी में हूं। अरे ये कैसे हुआ, पहली बार तुझे शाम की ड्यूटी मिली है? झूमर की आंखों की चमक सिंदूरिया अनदेखा नहीं कर पाई।
आजकल तेरे 214 वाली कांस्टेबल ललिता के साथ अच्छी पट रही है ना। इतना कहकर फिर से गुसलखाने की तरफ देखते हुए ऊंची आवाज में बोली, ओ मंगेत्री, आज फिर डंडा खाएगी क्या? सिंदूरिया ने इतना कहा ही था कि वार्डन दरवाजा खोलकर अंदर आ घुसी। वार्डन की अकड़ और कड़ैती उसके तने हुए चौड़े सीने से साफ जाहिर थी। झूमर जहां बैठी थी वहीं खड़ी हो गई। वार्डन ने एक नजर उसकी तरफ देखा और गुसलखाने की तरफ बढ़ी। मंगेत्री का हाथ पकड़कर उसे 3 फीट की दीवार की आड़ से बाहर निकाला और उसके कूल्हों पे 2 डंडे जमाए। मंगेत्री कराह उठी, आह साहिब, पेशाब तो करने दो, महीना भी हो रहा है। वार्डन ने डंडा घुमाया और बोली, साली डंडा अंदर ठूस के महीना बंद करवा दूं क्या? रोज देर होने का बहाना सोचकर रखती है। वार्डन ने भौहें ऊपर करके झूमर को देखा, ड्यूटी शाम की है क्या? कितनी बार कहा है तुम लोगों से कि टॉयलेट की सफाई रोज किया करो, कीड़े मकौड़ों की तरह रहती है साली तुम लोग। झूमर की मुट्ठी भींच गई। वार्डन सिंदूरिया और मंगेत्री को गाय बैल की तरह हांकती हुई ले गई। झूमर वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में लाल रंग उतर आया। उसके गले में एक अजीब सी कड़वाहट का गुबार उठा। ये जिंदगी तो नहीं चाही थी उसने। वो धम्म से जमीन पे बैठ गई और अपनी आंखें मूंद ली। उसकी बंद आंखों के सामने उसका छोटा सा शहर घाटशिला उगने लगा। गड्ढे वाली पतली सड़कें, छोटे छोटे मकान जिनकी छतों की मुंडेर पे 12 महीने गद्दे सूख रहे होते, वो गली जिसके दोनों तरफ घरों के दरवाजे खुलते थे, दरवाजे और गली के बीच नाली बहती थी जिसकी बदबू कभी कभार इतनी हो जाती कि उसकी मां उस 2 कमरे के घर में एक कोने में ढेर सारा धूप जला देती। मां क्यों जलाती हो इतना धूप, घुटन होती है, झूमर मुंह पे हाथ रखे कहती। तुम्हें तो इस घर से, हम से, पूरे मोहल्ले से ही घुटन होती है। कहां इस गरीब के घर आप पैदा हो गई राजकुमारी जी। मां ताना दे रही है ये 18 साल की झूमर अच्छी तरह जानती थी। बाबा पे चढ़े कोई दर्जन भर कर्जे साल भर में बड़ी मुशक्कत से उसे 2 कपड़े दिलवा पाते। कॉलेज के लिए उसके पास सिर्फ 5 कपड़े थे। क्लास में बाकी लड़कियों के साथ बैठती तो कभी वो अपनी कुर्ती को बगल से खींचती ताकि सिलवटें ना दिखें, तो कभी अपनी ओढ़नी को अलग अलग तरह से ओढ़ती ताकि कुछ तो अलग दिखे। वो सुंदर थी, लंबा चेहरा, आंखें बड़ी बड़ी, नाक ऊपर की तरफ उठी हुई और कमर बस मुट्ठी भर की। 13 की थी जब से सीने पर उभार भी आने लगा था। चाहे कपड़े पुराने हों लेकिन वो खूब सजती सवरती थी। मां की बनाई हुई काजल से आंखें लबालब भरती। नतीजतन मां गुस्साती कि काजल जल्दी खत्म हो जाता है। लिक्विड वाली बिंदी उंगली पर लगा अपने होठों पर मल लेती। चलती तो हल्के से कूल्हों को मटकाती हुई चलती। धीरे धीरे मोहल्ले में उसके आशिकों की लाइन लगने लगी थी, लेकिन ये सब उसके घर वालों की हैसियत के सामने फीका पड़ जाता। उसके बाबा गली के मुहाने पर अपनी सिलाई मशीन लेकर बैठते, मगर सिलाई के लिए कोई खास कस्टमर आते नहीं थे। बस फटे उधड़े कपड़ों में चिप्पा सिलना या डबल सिलाई देना, यही काम था उनका। और मां बाजार में मिल रही सबसे सस्ती सब्जी लाकर अलग अलग तरीके से रोज बनाती। झूमर 19 की हुई तो रिश्ते आने लगे थे। ज्यादातर लोग उसमें से दहेज मांगते, सो बात नहीं बनती। एक कार मैकेनिक का रिश्ता आया था। बाबा खुश थे कि दहेज नहीं मांगा है उन्होंने, लेकिन झूमर ने खूब जमकर मां से लड़ाई की। उसकी ऊंची आवाज गली में गूंज उठी थी, जहर खा लूंगी लेकिन मैकेनिक से शादी नहीं करूंगी। मां तो डरकर चुप हो गई थी और बाबा ने भी उस दिन के बाद फिर कभी शादी वाली बात नहीं छेड़ी। इस बीच झूमर ने खुद ही अपना रास्ता खोज निकाला था। मेन रोड के किनारे गल्ले की एक दुकान थी, भवानी स्टोर। हर दुर्गा पूजा में नवमी का भोग उनसे अच्छा उस पूरे इलाके में कोई नहीं बनाता था। बचपन से ही मां उसे सामान लेने उस दुकान पर भेजती थी। दुकान पे कभी दुकानदार खुद बैठता तो कभी उसके बेटे। उनमें लंबा गोरा घनी मूछों वाला छोटा बेटा देबू तकरीबन 30-32 साल का था। उसकी बीवी उसे छोड़कर भाग गई थी,
ये तो मोहल्ले वालों को पता था, लेकिन क्यों भागी थी ये किसी को पता नहीं था। मगर झूमर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो दुकान पे जाती और देबू उसे एक टक देखता रहता। उसकी नजर झूमर की गर्दन के नीचे ताकती रहती। झूमर को भी उसका यूं देखना अच्छा लगता। जाड़ों की शाम को अलाव तापने जैसी लगती थी उसकी नजर। वो जानबूझकर बिना दुपट्टा ओढ़े पहुंच जाती भवानी स्टोर। देबू की हिम्मत भी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। जब दुकान में और ग्राहक नहीं होते तो वो हाथ बढ़ाकर कभी झूमर के गाल छू लेता तो कभी उसकी कमर। उसके ऐसा करने पर झूमर कुछ यूं खिलखिलाकर हंस देती, मानो कोई बचकाना सा खेल हो। लेकिन जानती तो वो भी थी कि इन छुअन में क्या छुपा हुआ था। ऐसे ही एक अंधेरी शाम वो दुकान पर सामान लेने गई तो देबू के बाबा थे वहां। बस 50 ग्राम सरसों लेने ही तो आई थी वो वहां। देबू को वहां नहीं पाकर उसे थोड़ी सी मायूसी भी हुई। सरसों की पुड़िया हाथ में लिए वो घर की तरफ जा रही थी कि तभी अचानक एक अंधेरी गली से दो हाथों ने उसे खींचकर गली की दीवार से चिपका दिया। 10 मिनट बाद जब वो उस अंधेरी गली से निकली तो उसके होंठ सूजे हुए थे। कमर पर बांधी उसकी ओढ़नी की गांठ खुली हुई थी। उसी गली के जमीन पर 50 ग्राम सरसों के दाने तितर बितर बिखरे हुए थे। वो मुस्कुराती हुई अपने घर की तरफ निकल गई और 5 मिनट बाद उसी गली से अपनी मूछों पे ताव देते हुए देबू निकला था। माँ ने सरसों के बारे में पूछा तो झूमर ने मन ही मन हंसते हुए कहा, वो सरसों की पुड़िया फट गई माँ, सारी सरसों रास्ते में ही गिर गई। माँ झल्लाते हुए बोली थी, देखने में घोड़ी हो गई है लेकिन अकल गधे वाली है। एक चीज नहीं संभलती तुमसे, कौन शादी करेगा तुमसे? करेगा माँ, कोई राजकुमारी करेगा। कहते हुए झूमर ने उस छोटे से कमरे में अपने हाथ फैलाकर अपनी एड़ी पे 3 चक्कर लिए। उस शाम जो हुआ था उसने उसके सपनों को हवा दे दी। उसे पता था रास्ता पथरीला था लेकिन मंजिल दूर नहीं थी। देबू के बाबा जात पात के कट्टर थे। झूमर की मां को एक बार उन्होंने पंडाल में देवी के लिए माला पहनाने से रोक दिया था, लेकिन इश्क जब परवान चढ़ जाता है तो किसकी सुनता है। अक्टूबर का महीना था, सुबह के 6 बजे झूमर के घर कोहराम मचा था। माँ पूरे मोहल्ले में पूछाई थी। बाबा ने गुस्से में दीवार पे बनी रैक पर सजाई हुई झूमर की गुड़ियों को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया था। वो उसकी माँ पर चिल्ला रहे थे, तेरी बेटी भगोड़ी निकली, हमारे नाक के नीचे रंगबाजी करती रही और तू, तुझे तो सब पता था ना, और पढ़ने भेज बेटी को। माँ सर हाथ में लिए बैठी रही, सुबकती रही, मिनट मिनट हाथ में पकड़ी चिट्ठी को पढ़ती। मैं जा रही हूं, तुम्हें तुम्हारी गरीबी मुबारक, वापस आऊंगी तो रानी बनकर। नाम तक नहीं लिखा था उसने, बस दरवाजे की साकल पर यह चिट्ठी छोड़ गई थी। उधर अपने घर से देबू भी गायब था। किसी को उसकी खास चिंता नहीं थी। एक रात पहले का गया देबू जब दूसरी रात भी नहीं आया तो उसकी मां उसके बाबा को थाल परोसते हुए बुदबुदाई थी, बीच बीच में जाने कहां गायब हो जाता है लड़का, कितनी बार कहा है इसकी दूसरी शादी करवा दो। देबू के बाबा ने एक बड़ा सा निवाला लिया और मुंह में ठूसते हुए बोले, शादी कोई आलू उबालना थोड़े ही है जो आसानी से हो जाए। तेरा बेटा अगर लायक होता तो पहली वाली क्यों छोड़ती? दूसरी को लाकर दाना पानी बर्बाद करना हमसे नहीं हो पाएगा। तुम भी जानती हो कि वो कहां जाता है, नशेड़ी दोस्त पाल रखे उसने। देबू की मां वहीं बैठी रही। महीने भर पहले ही तो उसने देबू के गले में ताबीज बांधी थी ताकि उसकी बुद्धि सही हो जाए। 3 दिन बाद देबू घर आया। अपने चेहरे से जाहिर होती खुशी को छिपा नहीं पा रहा था वो। उसके साथ उसके पीछे झूमर भी आई थी। उसने सिंथेटिक साड़ी पहनी थी। लाल चूड़ियों से सजे उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। उसकी गुलाबी होठों पर लाल लिपस्टिक और मांग में लबालब सिंदूर भरा था। एकदम नई नवेली दुल्हन सी वो छोटे कदमों से चलकर देबू के घर में आंगन तक आई थी। देबू के बाबा घर पर नहीं थे। मां की आंखें चौड़ी हो गई थीं। उसके नथुने फूले हुए थे जब देबू ने कहा, आप लोगों को मेरी शादी की चिंता थी ना, ये लीजिए मैंने कर ली शादी,
माँ ने नाक सिकोड़ ली थी। छी, ये किसको ले आया तू घर में? कितनी छोटी जात वाली है ये, सब इसकी माँ ने करवाया होगा। अच्छा घर देख के छोड़ दिया होगा इसे तेरे पीछे। देबू चुप रहा मगर झूमर के चेहरे पर रोष उतर आया। अब तक शर्म हया की मूरत बनी झूमर पल भर में बदल गई। मेरी माँ को बीच में क्यों ला रही है? उन्हें तो पता भी नहीं कि आपका बेटा लेकर आया मुझे इस घर में। अगर गाली देनी तो इसे दीजिए। देबू की माँ हैरान खड़ी थी। इससे पहले कि बात ज्यादा बिगड़ जाती, देबू झूमर को अपने कमरे की तरफ ले गया। मोहल्ले में बात आग की तरह फैल गई। कोई झूमर को बच्चलन कहता तो कोई उसकी माँ को। देबू के बाबा भी खबर सुनते ही दौड़कर घर आए थे। आंगन के एक कोने में पड़ी हुई लाठी को हाथ में लिए वो सीधे देबू के कमरे की तरफ गए। अगले ही पल वो देबू को घसीटकर आंगन में लाए और बेरहमी से उस पर डंडे चलाए, और देबू मांगो मांगो चिल्लाता रहा। उस रात उसकी नई नवेली दुल्हन ने उसकी पीठ पर नीले निशानों को सेकते हुए गुजारा। अगली सुबह बाहर धूप चढ़ाई थी, कोई उन्हें जगाने भी नहीं आया था। बिस्तर पर लेटे हुए देबू ने कहा, इतना क्या सोच रही है, चल तेरे घर होकर आते हैं। कमरे के बाहर कोई पटक पटक कर बर्तन धो रहा था। देबू के बाबा गुस्से में किसी पर चिल्ला रहे थे। उसने साड़ी संभाली और दरवाजा खोलकर देखा तो सब अपने अपने काम में लगे थे। किसी ने उसकी तरफ एक नजर भी नहीं देखा। उसने बाथरूम में जाकर नहा धो लिया। देबू अब भी बिस्तर पर ही पड़ा था, शायद दर्द उसे उठने नहीं दे रहा था। झूमर पीले रंग की तांत साड़ी पहने रसोई की तरफ गई। उसके कदम रसोई की चौखट पर पड़े भी नहीं थे कि उसकी सास की तेज आवाज ने उसे रोक लिया। ना, इधर मत आना, मेरे बेटे की तो बुद्धि भ्रष्ट कर दी तुमने, अब क्या हमारी रसोई को भी अपवित्र करोगी? झूमर उल्टे कदम लिए और गुस्से से भन्नाती हुई देबू के कमरे में आ गई। अगले दिन सुबह वो सज सवर कर अपने घर गई। घर पर का लकड़ी वाला दरवाजा अंदर से बंद था। उसने जोर जोर से खटखटाया तो मां ने दरवाजे में पड़े छेद से उसे आकर देख लिया, लेकिन दरवाजा नहीं खोला। वो दरवाजा पीटती रही लेकिन वो दरवाजा उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो गया था। वो जिस हवा में उस दरवाजे के बाहर सांस ले रही थी उसमें नमी थी। उसकी मां के आंसू खुले थे उसमें। गली में आते जाते लोग उस पर तंज कस गए। त्रिपुरी चाचा ने तो उसे देखकर थूक भी दिया था। देबू अब दुकान पे नहीं बैठता था, लेकिन बाहर जाता तो घंटों बाद वापस आता था। झूमर पूछती कि कहां गए थे तो कहता नौकरी तलाश रहा है। झूमर मुरझाने लगी थी। देबू ने एक शाम उसे बाहों में भरते हुए पूछा था, क्या बात है भाई, हमारी मल्लिका का चेहरा उतरा हुआ क्यों है? झूमर की आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। वो कुछ नहीं बोली, बस अपना माथा देबू के सीने से लगाकर रोती रही। देबू ने उसका चेहरा अपनी दोनों हथेलियों के बीच ले लिया और बोला, घूमने चलोगी दार्जिलिंग? अपने पति की बात सुनकर झूमर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। देबू उसके माथे को चूमता हुआ बोला, शादी को 10 दिन हो गए और मेरी बेगम को हनीमून पर न ले जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा सुन, तुम तैयारी करो, हम कल शाम कलकत्ता चलेंगे, फिर वहां से दार्जिलिंग। उस रात झूमर चैन की नींद सोई। उसकी बंद आंखें कहां जानती थीं कि अब कई सालों तक उन्हें यूं सुकून की नींद नसीब नहीं होने वाली थी। अगले दिन उसका बैग तैयार था। बड़े शौक से झूमर ने डीप कट वाले ब्लाउज, एक स्कर्ट और अपनी पुरानी जीन्स रख ली थी। वो इस सफर में अपने सारे सपने जीने वाली थी। सुबह के वक्त कुछ देर के लिए देबू बाहर गया था। दोपहर में वो हड़बड़ाते हुए जब आया तो उसके हाथ में मखमल का कवर चढ़ा हुआ एक छोटा सा चौकोर डब्बा पकड़ाते हुए बोला, इसे संभाल कर रख ले अपने पर्स में। क्या इसमें? झूमर ने उस पे हौले से अपनी उंगलियां फेरी। तेरे लिए अंगूठी है, दार्जिलिंग में पहनाऊंगा, लेकिन शर्त है कि तू इसे खोलकर अभी नहीं देखेगी। देबू की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये क्या बात हुई, मेरे लिए जो लाया उसे मैं क्यों ना देखूं?
रोमांस में सस्पेंस रहने दो ना जाने मन, बात मानो मेरी। झूमर ने एक शैतानी भरी मुस्कान के साथ वो डब्बा अपने पर्स में रख लिया। दोनों अपने अपने हाथ में बैग थामे निकले तो घर वालों ने कुछ नहीं पूछा। देबू ने ही गला साफ करके सबको सुनाते हुए कहा, दार्जिलिंग जा रहे हैं, 2-4 दिन में आ जाएंगे हम लोग। उसके बाबा रसोई में खाना खा रहे थे, वहीं से बोले, वापस ही ना आओ तो अच्छा है। बिरादरी में नाक तो कटवा दी है, ना जाने गला कब कटवा दोगे। दोपहर की लोकल ट्रेन से निकले तो 6 बजे वो दोनों कलकत्ता में थे। देबू के कंधे पर सर रखकर वो सारा रास्ता सोती आई थी। स्टेशन से बस स्टैंड जाने के लिए दोनों ने टैक्सी ली। कलकत्ता शहर पहली नजर में ही उसे भा गया था। बड़े बड़े मकान, चौड़ी सड़कें, उन पर दौड़ती बड़ी बड़ी कारें। विक्टोरिया मेमोरियल के सामने से गुजरे तो झूमर बिना पलक झपकाए उस इमारत को देखती रही। उसने देबू की बाजू खींचते हुए कहा, इतनी बड़ी इमारत में जो रहती होगी वो कितनी बड़ी महारानी होगी। देबू अपने ही किसी ख्याल में डूबा हुआ था, उसने बस मुस्कुरा दिया। दोनों बस स्टैंड पहुंचे तो देबू ने उसे एक बस के सामने खड़ा करते हुए कहा, यही वाली बस जाएगी, अभी आधा घंटा है। तुम एक काम करो, इसमें बैठो, मैं टिकट और खाने के लिए कुछ लेकर आता हूं। झूमर हां में सर हिलाते हुए बस में एक सीट पर बैठ गई। वो खिड़की से देबू को जाते हुए देख रही थी। मिनट भर बाद वो भीड़ में गायब हो गया। तभी पहली बार झूमर को एक सिहरन सी हुई। पहली बार उसे अकेले होने का डर लगा। उसने मन को समझाते हुए कहा, पगली, बस आधे घंटे की तो बात है। 25 मिनट बीत गए थे लेकिन देबू का पता नहीं था। कंडक्टर ने 2 बार टिकट के लिए पूछ लिया था उससे। अब उसे गुस्सा भी आ रहा था। ये कहां चला गया देबू, इतनी भी फिक्र नहीं कि मैं अकेली हूं। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर ली थी। फिर से कंडक्टर ने पूछा, बोदी, टिकट। झूमर ने अंदर की सारी हिम्मत जुटाते हुए कहा, मेरे हस्बैंड गए लेने, अभी आ जाएंगे। नहीं आएंगे तो मैं खुद ही उतर जाऊंगी, आप पहले बाकी सवारियों को देखिए। तभी देबू दौड़ता हुआ अपने हाथ में पॉलिथिन लिए बस में चढ़ा। उसने हांफते हुए कंडक्टर को टिकट थमाया और पॉलिथिन को सामान कक्ष में रखते हुए झूमर को कहा, सॉरी। झूमर मुंह फुलाए बैठी रही। देबू ने उसे मनाने की कोशिश की लेकिन जब वो नहीं मानी तो वो आंखें बंद कर सो गया। बस रात के अंधेरे को चीरती हुई किसी हाईवे से गुजर रही थी। झूमर खिड़की से बाहर गहराती रात को देख रही थी। दूर दूर तक कहीं कोई रोशनी नहीं। वो मन बना रही थी कि दार्जिलिंग से वापस आएगी तो मां बाबा के पैर पकड़कर माफी मांग लेगी। तभी अचानक बस झटके से रुकी। कुछ लोग बाहर से बस का दरवाजा पीट रहे थे। कंडक्टर बांग्ला में ड्राइवर से कह रहा था, बस आगे बढ़ाओ, बस आगे बढ़ाओ। ड्राइवर बस हिलाता भी, उससे पहले 4-5 लोग बस में घुस आए। कुछ के हाथ में लोहे की रॉड्स थी और एक के हाथ में पिस्तौल। झूमर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कस के देबू की बांह पकड़ ली। उसे महसूस हुआ देबू भी कांप रहा था। बस में चढ़े लोग सीधे देबू तक आए, उसका गिरेबान पकड़कर उसे उठाया। उनमें से एक ने भारी आवाज में पूछा, कहां रखा है, निकाल माल। देबू की घिक्की बंद गई, उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। झूमर ने संभालने की कोशिश की, हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो झटके से उठी और देबू के गिरेबान पर का हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। छोड़ो, मैं कहती हूं छोड़ो, ये मेरे हस्बैंड है, क्या कर रहे हो तुम लोग। बस में चढ़े हुए एक मूछ वाले आदमी ने झूमर को एक जोर का थप्पड़ मारा। थप्पड़ के वार से उसने अपना बैलेंस खोया और उसका सर बस की खिड़की से जा टकराया। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसकी आंखें खुली तो वो लोग देबू को घसीटते हुए बस से उतार रहे थे और उनके हाथ में वो प्लास्टिक बैग था जिसमें देबू खाना लेकर आया था। वो बस के दरवाजे की तरफ लपकी लेकिन उनमें से एक आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। बस में सारे पैसेंजर डर से एकदम खामोश बैठे थे। उसने चीख चीख कर सबसे मदद की गुहार लगाई लेकिन बस में बैठा हर सवारी बुत बना हुआ खामोश बैठा रहा। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो अंधेरे में सिर्फ देबू की आवाज आ रही थी। और फिर
फिर एक धमाका हुआ और देबू की आवाज आनी बंद हो गई। धमाके की गूंज सुनते ही जो आदमी झूमर का रास्ता रोककर खड़ा था, वो आदमी बस से उतर गया और उससे पहले कि वो बस से उतर पाती, ड्राइवर ने तेजी से बस आगे बढ़ा दी। झूमर बस रोकने के लिए चीखती रही लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। झूमर रोए जा रही थी, उसका मन कांप रहा था। उसके मन में कई सवाल उठने शुरू हो गए थे। क्यों देबू की आवाजें आनी बंद हो गई थी? कहीं उसे उन लोगों ने। वो बस रोकने के लिए जितना चिल्ला रही थी, ड्राइवर भी बस की रफ्तार उतनी ही तेज करता जा रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद बस अगले शहर के पुलिस स्टेशन जाकर रुकी। ड्राइवर उतरकर पुलिस स्टेशन गया। झूमर भी जाना चाहती थी लेकिन कंडक्टर ने उसे रोके रखा। कोई 10 मिनट बाद पूरे बस में पुलिस सबकी तलाशी ले रही थी। पुलिस को देखते ही झूमर जोर जोर से चीखने लगी, मेरे हस्बैंड को गुंडे उठाकर ले गए, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। पुलिस वाले ने रौब में आकर कहा, अपने सामान की तलाशी करवाओ पहले। झूमर ने झट से अपना बैग और पर्स खोल दिया। वो सब करने के लिए तैयार थी जिससे पुलिस वाले देबू को बचा पाते। पुलिस वाला उसके बैग और पर्स से सामान निकालकर सीट पर फेंक रहा था। अचानक वो पल भर के लिए रुका और उसने पर्स से वो लाल मखमली डब्बा निकालते हुए पूछा, ये तुम्हारा है? झूमर ने झपट कर वो डब्बा पुलिस वाले से छीनने की कोशिश की। इसे हाथ मत लगाई, इसमें मेरे देबू ने मेरे लिए अंगूठी रखी है, दार्जिलिंग जाकर वो मुझे पहनाएगा। कहते हुए उसके चेहरे पर पागलों सी मुस्कान आ गई। पुलिस वाले ने तब तक वो डब्बा खोल लिया था। उसमें वाकई एक सोने की पतली सी अंगूठी थी जो एक लाल सिल्क के टुकड़े पर रखी थी, लेकिन उस कपड़े के नीचे कुछ था। उसे हटाया तो उसके नीचे छोटे छोटे पॉलिथिन पाउच में सफेद पाउडर था। पुलिस वाले ने तुरंत उस पाउच का एक कोना फाड़ा और सूंघा। फिर वो मुड़कर अपने साथी से बोला, ड्रग्स है, हेरोइन। झूमर फटी आंखों से कभी उस डब्बे को देख रही थी तो कभी उस पाउच को तो कभी पुलिस वाले का चेहरा। तभी एक लेडी कांस्टेबल ने आकर उसकी बाजू पकड़ उसे बस से उतारा और एक जीप में बिठा दिया। जीप हाईवे पे चल पड़ी, उसी तरफ जहां देबू को बस से गुंडों ने उतारा था। झूमर की जुबान मानो तालू से चिपक गई थी, वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। आधे घंटे चलने के बाद जीप की हेडलाइट में रोड पर कुछ पड़ा हुआ दिखा। जैसे जैसे जीप आगे बढ़ती गई, झूमर को लग रहा था मानो उसका दिल पंजर को तोड़कर बाहर निकल आएगा। जीप रुकी, लेडी कांस्टेबल ने उसे उतारा और वो उस ओर बढ़ी जिस तरफ पुलिस वाले बढ़ रहे थे। 2-4 कदम चलते ही पुलिस वाले रुक गए और पीछे पलटकर सहमे कदमों से आती हुई झूमर को देखने लगे। झूमर धीरे धीरे करीब आती गई। पुलिस जीप की रोशनी में झूमर ने देखा पूरी सड़क खून से रंगी हुई थी। उसके पांव लड़खड़ाने लगे। तभी उसकी नजर रोड के बीचों बीच एक लाश पर पड़ी। पुलिस वाले ने पूछा, यही है तुम्हारा पति? उसके सामने रोड पे देबू का निर्जीव शरीर था। उसके पेट से खून बह रहा था या सर से, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। पुलिस वाले ने फिर पूछा, यही है तुम्हारा पति? झूमर ने कोई जवाब नहीं दिया और वो जाकर देबू के बगल में सड़क पर बैठ गई। उसकी आंखें जल रही थीं, आंसू की एक बूंद भी नहीं टपकी उसकी आंखों से। उसने अपनी आंखें और चौड़ी कर ली। नहीं, ये कोई सपना नहीं, हकीकत थी। देबू मर चुका था। पास में पड़ा एक पत्थर उठाकर उसने अपनी चूड़ियां तोड़ डाली। लाल चूड़ियों के टुकड़े देबू के शरीर के आसपास फैले खून में घुल से गए। पीछे से कोई पुलिस वाला बोल रहा था, ड्रग्स ट्रेडिंग का केस है, दोनों मियां बीवी इसमें इन्वॉल्व हैं। बीवी के पास भी हेरोइन मिला है। बस कंडक्टर ने बताया कि जिन गैंग वालों ने इसके हस्बैंड को बस से उतारा, वो एक प्लास्टिक बैग साथ में लेकर उतरे थे, शायद उसी में होगा बाकी का ड्रग्स। पीछे खड़े पुलिस वाले की ये बातें झूमर के जहन में इतनी जोर जोर से गूंजने लगी कि उसे लगा उसका दिमाग फट जाएगा।
वो अपने कानों को अपने दोनों हाथों से जोर से दबाने की कोशिश कर रही थी, मगर तभी अचानक झूमर वहीं रोड पर लुढ़क गई। जब झूमर को होश आया तो वो एक छोटे से कमरे में स्ट्रेचर पर लेटी थी। आसपास महिला पुलिस थी। उसने कमजोर आवाज में पूछा, कहाँ हूं मैं अभी? महिला पुलिस ने रुखाई से जवाब दिया, जेल की डिस्पेंसरी में हो। जेल? क्यों? झूमर की आवाज कांप रही थी। कांड करोगी, जेल नहीं तो क्या मंदिर ले जाएंगे? झूमर बौखला गई, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग मुझे मेरे घर वालों से बात करने दीजिए। पुलिस वाली हंसने लगी, कौन से घर वाले? तुम्हारे पति के घर वाले उसकी बॉडी लेकर गए और बयान देकर गए कि तुम दोनों ड्रग्स बेचते थे। देबू के माँ बाबा इतनी नफरत करते थे उससे कि उसे ड्रग्स बेचने वाली बना दिया? ये क्या हो रहा है उसके साथ? कैसे निकलेगी वो यहां से? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जेल से कैसे निकलते हैं लोग? कभी किसी सीरियल में देखा था कि वकील कोर्ट में मुकदमा लड़के छुड़ाता है। उसने अपनी आवाज को अस्थिर करते हुए कहा, मुझे वकील करना है, मेरी माँ को फोन कर दीजिए प्लीज। पूछा था हमने तुम्हारे ससुर से तुम्हारे माँ बाप के बारे में, उन्होंने जो पता दिया वहां तो कोई मिला नहीं। पड़ोसियों ने बताया कि वो हफ्ते भर पहले घर खाली करके बिना बताए कहीं चले गए। ये कहते हुए पुलिस वाले की आवाज में थोड़ी नरमी आ गई। झूमर बिलख के रो पड़ी। बस एक रात में सब कुछ बदल गया था। महिला पुलिस ने वहीं कोने में वॉश बेसिन की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाथ मुंह धो ले, अभी सेल में शिफ्ट करेंगे तुझे, कोर्ट में कल पेशी होगी। झूमर हौले से उठी और मुंह धोने के लिए अंजूरी में पानी लिया तो उसकी नजर उसकी हथेली पर पड़ी। हथेली पर खून के सूखे धब्बे थे। एक नई लकीर दिखी थी उसे कुछ दिन पहले। तेबू ने कहा था, राजयोग है तेरा पगली, राजयोग। वो लकीर गहरा गई थी। उसे उस लकीर से घिन होने लगी थी। वो जोर जोर से रगड़ कर उसे मिटाने की कोशिश करने लगी। 2 महीने पहले किस्मत ने उसके साथ जो खेल खेला था उसे याद करके उस काल कोठरी में अकेली बैठी झूमर अब भी अपनी बाईं हथेली की उस लकीर को अपने दाएं अंगूठे से रगड़कर मिटाने की कोशिश कर रही थी। हार कर वो उठी और टॉयलेट साफ करने का ब्रश उठाया। सलाखों वाले दरवाजे पे कुछ आहट हुई तो झूमर ने टॉयलेट के बगल की दीवार के ऊपर से झांका तो देखा छोटे कद वाली कांस्टेबल ललिता खड़ी थी। ललिता ने अपनी शातिर और चौकन्नी आंखों से इधर उधर देखा और झूमर को पास आने का इशारा किया। टॉयलेट ब्रश वहीं छोड़कर वो दरवाजे की तरफ भागी। ललिता ने इधर उधर देखकर फुसफुसाते हुए कहा, चाबी 11 नंबर हौदी में रहेगी, आज उसमें पानी कम रहेगा, हाथ डालकर ले लेना। और सुन, स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, यहां से निकलकर सीधे दिए हुए पते पर सेठ के पास जाना। कोई चालाकी की तो यहां पुलिस वालों के पास 100 बंदूक है और सेठ के पास बस 2। झूमर ने धीरे से कहा, नहीं करूंगी कोई चालाकी, आप मेरे लिए भगवान हो, इस नरक से छुटकारा मिलने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। कांस्टेबल ललिता डंडा बजाते हुए कॉरिडोर में आगे बढ़ गई। झूमर मुस्कुरा उठी। आज उसे आजाद होना था, अपनी दुनिया में वापस जाना था। ललिता ने उसे आज शाम की ड्यूटी दिलवाई थी जिसमें उसे सभी सेल से एक बाल्टी में कचरा जमा करके जेल के कंपाउंड में एक कोने में कचरा पेटी में फेंकना था। पेटी के पीछे दीवार में एक लंबा सा पतला लोहे का गेट था जिसपे कटीले तार लगे हुए थे, उसमें करंट भी रहता था। प्लान ये था कि झूमर कचरा फेंकने जाएगी तो ललिता उस तार के करंट कनेक्शन को ऑफ कर देगी और झूमर उसकी दी हुई चाबी से बाहर निकल जाएगी। ललिता ये पहली बार नहीं कर रही थी। वो एक सेठ के पास करीब आधी दर्जन लड़कियां भेज चुकी थी। हर लड़की के लिए वो उसे 2 लाख देता था। सेठ उन लड़कियों का क्या करता था ये ललिता ने कभी नहीं पूछा था। कैदी गायब होने पर उसकी खोजबीन शुरू होती।
लेकिन धीरे धीरे भगौड़ियों के नाम सिर्फ फाइलों में ही दर्ज रह जाते। ललिता गई तो झूमर नहाने चली गई। रोज 3 मग पानी में नहाने से उसके जिस्म पर मैल के चकत्ते उभर आए थे। झूमर ने आज आधे बाल्टी पानी से खूब करीने से नहाया। आज उसे बाहरी दुनिया में जो जाना था, लोगों के सामने उसे साफ सुथरा दिखना था। कॉरिडोर की घंटी ने 5 बजने की इत्तला दी तो झूमर दरवाजे पर खड़ी हो गई। कांस्टेबल ललिता ने उसके दरवाजे का ताला खोला और आंखों से इशारा किया। झूमर ने कॉरिडोर में पड़ी प्लास्टिक बाल्टी को लेकर एक एक सेल में जाकर कचरा उठाना शुरू कर दिया। वो जब तक कंपाउंड में निकली तब तक हल्का अंधेरा हो गया था। दिन की ड्यूटी वाले कैदी जेल के सामने दरवाजे से हाजिरी लगाते हुए आ रहे थे। सब पुलिस कर्मियों का ध्यान उन्हीं पर था। झूमर पीछे वाले गेट की तरफ चली गई। अभी तक किसी की नजर भी नहीं पड़ी थी उस पर। वो पानी से लबालब भरी हौदियों से गुजरती हुई 11 नंबर हौदी पर पहुंची। उसमें तकरीबन 8 इंच तक का पानी था, जो कि बाकी हौदियों की तुलना में बहुत कम था। उसने गौर से पानी में देखने की कोशिश की, मगर अंधेरी की वजह से उसे कुछ दिख नहीं रहा था। उसने बिना आवाज किए हौदी में हाथ डाला और चाबी खोजने लगी। 3 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी हौदी में कुछ खोजना आसान तो नहीं था। उसे चाबी नहीं मिल रही थी। उसे अपनी धड़कनें घड़ी की सुइयों की आवाज से लग रही थी। चाबी ना खोज पाने की नाकामी से उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने चिढ़ते हुए अपनी गीली हथेली को देखा। उसकी नजर उभरी हुई उस नई लकीर पर ठहर गई। उसने मन ही मन खुद से वादा किया कि अगर आज वो यहां से नहीं निकल पाई तो उस लकीर को चाकू से काट देगी। बहुत हो चुका हाथों की इन लकीरों का खेल। इस बार जब उसने हौदी में हाथ डुबाया तो चाबी उसके हाथ में थी। वो इस बात पर खुश हो पाती कि तभी उसे वहां से थोड़ी दूर पर पहरा दे रही कांस्टेबल के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने कचरे की बाल्टी उठाई और धीमे कदमों से कंपाउंड में बने उस कचरा पेटी की तरफ बढ़ चली, जहां हर रोज उस जेल का सारा कचरा फेंका जाता था। पहरा दे रही कांस्टेबल ने पीछे से कहा, दुल्हन वाली चाल मत चल, काम खत्म करके सेल में वापस आ। झूमर ने सर हिलाकर हामी भर दी। यहां रहकर उसने एक बात सीखी थी कि पुलिस वालों के सामने मुंह खोलने का मतलब था कि गालियों को निमंत्रण देना। पहरा देने वाली कांस्टेबल तेज कदमों से आगे निकल गई और उसके जाते ही झूमर तेज कदमों से कचरे की ढेर की तरफ भागी। उसने कचरे से भरी बाल्टी वहां रखी और चीते जैसी फुर्ती से गेट का ताला खोलने लगी। इससे पहले कि वो उस गेट की सांकल खोल पाती, उसे किसी की आवाज ने चौंका दिया। वो मुड़ी नहीं, स्थिर हो गई। उसे सीने पे गोली नहीं खानी थी, भले पीठ पे मार देते। हाथ ऊपर करो और इधर मुड़ो, किसी कांस्टेबल की आवाज थी। झूमर जानती थी कि अब कोई भागने का रास्ता नहीं था। उसने ऊपर हाथ किए और मुड़ी तो हैरान रह गई। उसके सामने एक कांस्टेबल खड़ी थी और उसके साथ सिंदूरिया भी थी। झूमर ने सिंदूरिया को देखा तो उसकी आंखों में नफरत उतर आई। सिंदूरिया? उसे धोखा दिया? लेकिन सिंदूरिया के चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। वो आगे बढ़ी और झूमर की बांह पकड़कर उसे कचरे की ढेर की तरफ ले जाने लगी। झूमर ने दांत पीसते हुए पूछा, कहां ले जा रही हो मुझे? सिंदूरिया ने कुछ नहीं बोला, बस उसे कचरे की ढेर की तरफ ले जाकर धक्का दे दिया। झूमर उस गंदगी में गिरी तो उसकी आह निकल गई। उसने फिर पूछा, क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? तुम्हें तो अपनी बोड़ो मां माना था मैंने। वो कांस्टेबल जो अब तक सिंदूरिया के साथ खड़ी थी, वो सिंदूरिया को वहां छोड़ जेल की इमारत की तरफ भागी। सिंदूरिया ने धीरे से कहा, चिरैया एकदम चुप रह तू, बस जो कहती हूं वो करती जा। झूमर ने पहले कभी सिंदूरिया को ऐसे बात करते नहीं सुना था और आज उसका मन सिंदूरिया की बात मानने के लिए तैयार था, लेकिन साथ साथ उसके मन में सवालों की लहर भी उठ रही थी। उसकी भागने वाले प्लान के बारे में सिंदूरिया को कैसे पता चला? उसने उसे कचरे के ढेर में क्यों ढकेल दिया था? अब आगे क्या करने वाली थी सिंदूरिया?
आपने अभी सुनी रश्मि नाम्बियार की लिखी हुई प्रतिभा टिक्कू शर्मा की आवाज में उड़ान भाग एक। ये स्टोरीटेल ओरिजिनल 2018 की प्रस्तुति है।